गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। आज आखिरी दिन है पत्ताया का। यार प्लीज इग्नोर रूम में का पसारा। ये देखो ये ऐसा बेड है। वो आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, कितना दिख रहा है, बट नेवर माइंड। आज बहुत बड़ा दिन है एक्चुअली। पटाया घूमने के लिए दो दिन बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब बहुत हो गए। हमको तीन लगे क्योंकि पहला डे हमारा बहुत हेक्टिक गया। रात भर सोए नहीं थे, थाईलैंड एयर का प्लेन था। लैंड करने के बाद हमको आराम की भी सख्त ज़रूरत थी वगैरह वगैरह। सो ओल्ड स्टोरी। आज का प्लान बहुत बड़ा है। आज हम लोग सबसे पहले कूटे चल रहे अपन, वो कोई तो विलेज है नोंगनूच विलेज। वहाँ पे एलिफेंट शो भी होता है और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बॉटनिकल गार्डन वगैरह। अराउंड 400 एकर्स में फैला हुआ प्रॉपर्टी है। उसके बाद पटाया सिटी टूर और जेम्स गैलरी। जेम्स गैलरी इतना कोई खास नहीं है बट वो है इंक्लूडेड अभी उसमें, तो वाई नॉट। उसके बाद शाम को अगर शक्ति बची तो विल गो टू अपना ये वॉकिंग स्ट्रीट है इधर। अभी बजे है सुबह के 6:30। मैं पूरा रेडी हूँ क्योंकि रात भर नींद नहीं आया। एक तो बेड ऐसा। अच्छा, ये जो नोंगनूच विलेज है इसका टूर हमने एकदम एंड टाइम पे फिक्स किया क्योंकि हमने कल जो हमारे साथ थे कोरल आइलैंड्स पे ग्रुप्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि इट्स वर्थ विजिटिंग। सो दैट्स द रीज़न वी एडेड इट इन आवर आइटिनरी। एंड उसका अलग से पे करना पड़ा हमको, और इसीलिए वो अभी प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट टूर होने वाला है, ग्रुप टूर नहीं होने वाला है, विच इज़ गुड थिंग। ओके, क्विक थिंग गाइज, अगर आप थाईलैंड को ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास मन में भी ये सवाल होगा कि इंडियन चार्जर जो होते हैं मोबाइल के वगैरह वो चलते हैं कि नहीं। तो आप इसको देखो एक बार, थाईलैंड के स्विच ऐसे होते हैं। ओके, अब जो तीसरा वाला होल है, जो नीचे वाला होल है ग्राउंड वाला, वो अलग शेप में ही है, इसीलिए मोबाइल वगैरह के चार्जर जो होते हैं दो, जिसको दो पिन होते हैं उसको अगर मैंने लगाया यहाँ पे तो ये देखो ये चार्ज होना शुरू करेगा यहाँ पे। ओके, मोबाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। वही अगर मैं इसकी बात करूँ लैपटॉप या फिर अपना ये स्पाइक गार्ड वगैरह जो हम लाते हैं यूजुअली ट्रैवल करते समय, वो अगर इसमें मैं बैठाना चाहूँ तो इट वोंट गो इन, क्योंकि ये वाला जो है ग्राउंड वाला ये नहीं जाता है अंदर। इसके लिए फिर जो यूनिवर्सल ट्रैवल अडाप्टर होता है ये वाला, ये था मेरे पास, मुझे नहीं पता है किसका है क्योंकि मैंने ये ख़रीदा नहीं है। इसमें इसे लगा सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर द लैपटॉप टू, थ्री पिन वाले जितने भी हैं। और ये जो यूके वाला है, यूके इंडिया, इसको आराम से इसमें डाल सकते हैं और यहाँ पे इसको चालू कर सकते हैं। चार्जिंग स्टार्टेड, सुपर। सुयश, अभी कल का जो नाश्ता था मोस्टली वही होने वाला है, तो रेडी होके नीचे जाते हैं, फिर आपको दिखा देता हूँ। वेट गाइज, मैंने कुछ अलग नहीं लिया है। चिकन सॉसेज, स्प्रिंग रोल थोड़ा सा नया है, और ये टमेटो था बॉयल या फ्राइड, आई डोंट नो। वेजीज, ऑमलेट, हाफ फ्राई, ब्रेड और बटर और ऑरेंज जूस, क्योंकि कॉफ़ी सुबह सुबह हो गया था। फुल कोलेस्ट्रॉल, फुल। ओके, स्प्रिंग रोल वेज है ना? नॉट ए बैड यार इनका, लेकिन ऑमलेट ही बहुत बेस्ट होता है। द वे दे मेक इट ना। राइट, अपना गाड़ी आ चुका है, शायद मैंने देखा एमजी का गाड़ी है, एमजी आई थिंक जीएस। ईवीज है नहीं वैसे यहाँ पे ज़्यादा। वो देखो वो सामने दिख रहा है ना, वही वाला है शायद, 8709। लेट्स चेक। भाई साहब इंटीरियर देखो कैब का, वेरी नाइस इंटीरियर, गोल्डन इंटीरियर, वाओ, वीआईपी। लगता है ये पहले गुंडा मंत्री थे। सब सोने का यहाँ पे, एवरीथिंग इज गोल्ड, नाइस। बाय द वे हम लोग दोनों ही है प्रेश में। मुझे लगा प्राइवेट प्राइवेट टूर है तो छोटा गाड़ी आएगा। यस राइट, ये काफी बड़ा गाड़ी है। भाई देखो हमने बस एक लेफ्ट टर्न लिया, और ये नोंगनूच का खतरनाक वाला सीनिक ब्यूटी सीनरी चालू हो गया। वाह, अरे वाह,
नैरो गेज वाला ट्रैक भी है। वाह ये देखो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, क्या बात है। तो यहाँ पे फ्रूट्स है अलग अलग, ड्रैगन फ्रूट, पपाया, बनाना वगैरह वगैरह, और ये बॉन्ज़ा है छोटे छोटे। ओके तो ये मैडम हमारा टिकट लेने जा रही है वहाँ पे। यहाँ पे दो शोज है, एलिफेंट शो आधे घंटे का और थाई शो आधे घंटे का, आई थिंक वो कल्चरल शो है। उन्होंने बाद में हमको 3 नंबर पे आने को कहा है 12 बजे के आसपास। ये देखो क्या चालू है इनका, ऐसा चालू है। मुझे लगता है बच्चों के थाईलैंड में पटाया में जो स्कूल है या फिर आजू बाजू वहाँ पे पिकनिक के लिए यहाँ पे लाते होंगे वो बच्चों को। ओके नोंगनूज में बॉटनिकल गार्डन है और ट्रॉपिकल गार्डन है, इफ़ यू कैन सी सामने हम आए हैं ट्रॉपिकल गार्डन में। आई थिंक एलिफेंट शो और ये सब ट्रॉपिकल गार्डन में ही होता है। ये एक्चुअली ना दूर तक सारसबाग जैसा ये आ रहा है, बास आ रहा है यहाँ पे खतरनाक। खतरनाक है ये, 50 बात को केले मिलते हैं ऐसे, वो हाथियों को खिला पिला खिला सकते हो केले। ये औरत है बहुत इस, अभी वो दूसरे को दे रहे हैं ना तो ये बम मार रहे हैं इधर से, देखो बहुत औरत है ये सबसे बड़ा है इनमें, और वो बोले कि शायद ये येड़ा भी है, डोंट नो। ओके ये अलग अलग प्रकार के कैक्टस कैक्टाई, इनके लिए प्रॉपर ऐसा गर्मी का माहौल बनाया है ऊपर डेजर्ट वाला, इसमें बहुत पानी होता है अंदर। बाप रे खतरनाक। देखो गाइस ये बस का अलग टिकट है, अगर ये कर किया ना तो ये सब कुछ मिलता है देखने को। ये चल के बहुत दूर दूर है सब, एनिमल किंगडम, कोडियम कोडियम कोरियाम कलेक् कैप मालूम कोडियम कलेक्शन, एंडेनियम नर्सरी, पाम्स ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गनूज कैक्टस, कैक्टस गार्डन तो इधर पीछे ही है, डायनासोर वैली, फ्रेंच गार्डन, हार्बाकियस गार्डन, बॉमिलैंड, स्टोन फॉरेस्ट, खतरनाक स्टोन हेंज पण है बाय द वे, कैक्टस नर्सरी, पाम नर्सरी बोलो ना, पेबल्स इमेजेस, रॉयल पेविलियन, पॉटरी गार्डन, बॉन्जाय, कैक्टस गार्डन टू पेविलियन। लेकिन हम आए हैं मेन अट्रैक्शन के लिए जो है एलिफेंट शो, और वो थाई कल्चरल शो भी उसी में वो टिकट में वो लेना ही पड़ता है इसलिए फिर वो लिया है। और आधा घंटा है यहाँ पे अंदर जाना है, लेट्स सी थोड़ा चल के जितना घूम सकते हैं घूमते हैं। वहाँ पे बटरफ्लाई का कुछ तो है, चल बाबू भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा फाड़ू गर्मी है, गर्मी एज इन ह्यूमिड है, ह्यूमिड। तो ये डायनासोर, रैकूंज, थोड़े और डायनासोर, और आगे वो चीता है लगता है। सजेस्ट किया था ये खाने का बट अभी नहीं। हाँ डुरियन आइसक्रीम, नाइस। ओके यहाँ पे एंट्रेंस है, ये रहे हमारे टिकट्स 8:29 और 30। चलो अंदर जाते, शो स्टार्ट होने वाला है 10:30 को, एंट्रेंस अलाउ कर दिया है अभी, लेट्स सी। देखो चतुर्थी के दिन गणपति बापा के दर्शन हो गए, ब्यूटीफुल। वाओ सबसे कोने में बैठे हैं हम लोग लिटरली, और बालकनी वालकनी भी है। आई होप यहाँ से अच्छा दिखे बस शो। ये जो ये बड़े स्क्रीन लगे ना ये लाइव है, शायद हम लोग भी इसमें दिखेंगे मे बी।
गाना सुनो गाना, कॉपीराइट। आई होप आपको पसंद आया हो वो शो। बेजारे आते यार, कितने मस्त है, हमें तो बहुत एंजॉय किया। अब खाना भी इंक्लूडेड है पे, अच्छा आप सब फूड एंड देन आगे का प्लान। अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। वेयर नेक्स्ट? टाइगर पार्क। नाइस। अगर ये दीदी चूना लगा रही है, इन्हें एक्चुअली मस्त शोरूम में लेके आए। लुक एट दिस, अल्बन नॉक मॉन्स्टर ट्रक, फर्स्ट टाइम मैंने देखा लाइफ में, लाइक एन एक्चुअल मॉन्स्टर। योकोहामा, ये मर्सिडीज का कोई तो ट्रक है, हेलक है एक्स्ट्रा हेडलैम्प्स के साथ। दिस वन इज इंटरनेशनल, सिस टोयोटा का मॉन्स्टर, फोर्ड का, ये पता नहीं कौन सा है, हमर हमर, आई थिंक वो इसमें यही सब होगा, ये डालने वाला कौन कुटला मूवी है, तो आवारा पागल दीवाना में सब यही यूज हुए थे। हाँ, ये पता नहीं कौन सी फिएट लग रही है, निसान GTR मस्टैंग है ये, आई एम प्रिटी श्योर। ये मुझे नहीं पता, लोटस मुझे पता है। अपना F1 वाला कौन सा गेम था वो, पायोनियर उसका पासवर्ड था, उसमें ये थी। ये कुछ पगानी है का जोंडा, पोलारिस, अरे बाप रे, ये देखो एयरपोर्ट की गाड़ी लग रही है कोई, तो पुशबैक वाली वगैरह, KTM, वाह KTM कार्स भी बनाते हैं, नाइस। ये कौन सी है, R4, डोंट नो, मस्त है यार। लेकिन देखो सेम यहाँ पे भी, ये माउंटेन डर्ट वाला है, ये भी लोटस है, इवन दिस वन इज लोटस। ये फिर से डर्ट बाइक, डर्ट कार, माउंटेन कार, वो फोर्ड मॉन्स्टर। ये फिर से माउंटेन, ये सर अब ये बहुत ही बड़े यार, ये छोटे होते हैं यूजुअली, ये साइज वाले होते हैं, ऑरेंज वाला है ना उतना, ये बहुत ही बड़ा है उतना ही। ये स्टारबक्स का ढापा वो लोगो वाली गाड़ी है, देखो चल, ओके इजी। कार हॉट, सगा फिरो तो बस। टाइगर पार्क जा रहे हैं गाइस, अभी वहीं पे मिलते, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। ऑलराइट, पहुंच गए टाइगर पार्क, आप पीछे देख सकते हो बोर्ड, तो दीदी फिर से हमको लेके जा रही है अंदर। भाई क्राउड देखो, अभी तो वेटिंग एरिया में जाना है, फ़ोटो निकलने के 650 बात, मतलब अराउंड 1300-1500 रुपये। भाई इतना मिसमैनेजमेंट है ना यहाँ पे, स्क्रीन लगा के रखी है ऊपर, लेकिन कुछ उसका घंटा उपयोग नहीं है। वहाँ पे लिखा है हैव टिकट्स प्लीज सिट एंड वेट फॉर द स्टाफ, अभी वो स्क्रीन पे सब फोटो वालों का है, मेरा तो वॉक अराउंड है सर, 200 बात का टिकट,
क्योंकि ऐसे टाइगर मरे हुए टाइगर को हाथ लगाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी इतने पैसे दे के। इसलिए हमने वॉक कर लिया, खाली आए तो एटलीस्ट देख तो लेते क्या क्या अपने टाइगर के अंदर क्या है। एक तो इंग्लिश कलर प्लेट का प्रॉब्लम उनका, बैठे अभी इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा, क्योंकि ये नंबर स्क्रीन पे भी नहीं है कहीं भी, 151 सब फोटो वाले ही नंबर है, तो हमको पता नहीं अभी कहाँ पे देखना है, कौन बुलाने आएगा या नहीं। बड़ा वाला है देखो, अभी सेम सारस बाग में ऐसा था, जैसे ही मैंने बुराई की लिटरली 2 मिनट है ना, नॉट इवन 2 मिनट्स, नॉट इवन 120 सेकेंड्स, वो कैंटीन वाले ने मेरे को बुलाया, उसको तो उसको हिंदी नहीं आती है लेकिन फिर भी बुलाया और बोली अब जाओ आप जाओ, वॉक वाले सब जाओ। ये देखो ये न्यूबॉर्न है, खतरनाक, हाँ स्मॉल है, न्यूबॉर्न है, सॉरी बहुत महंगे है ये भी फोटो के लिए, खतरनाक। और ये वो बड़ा वाला गेंडा, गेंडा स्वामी, ए बोली अंदर से यार, टोटल सारस बाग रोपेश पे पार्क का मेरे को फील आ रहा है, यहाँ पे सोए सेम बात है, क्योंकि सेम ओनली रीज़न वी आर नॉट ट्राइंग इज क्योंकि गर्दी इतना है ना कि फ़ोटो निकालने को कम से कम 1-1.5 घंटा जाएगा किसी भी टाइगर के साथ, और इतने पैसे आई डोंट थिंक वर्थ इट है। उसे तो अच्छा जंगल सफारी में ज़्यादा मज़ा आता है लाइव टाइगर देखने में। ये देखो देखते भी नहीं है पीछे, इतने ये लोग मतलब है ना ये हो गए बोर नहीं उनको, हाँ आदत हो गई है मतलब ह्यूमंस की। इसको देखो लाइन मार रहा है, अरे दोनों टाइगर है, दोनों को गोटी है। ये सबको खाना हजम नहीं हुआ है इसलिए यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ चालू है। पानी है या पेशाब है, क्या पी रहे? बाप रे खिदा। खराब। ये यहाँ पे ये मीडियम साइज वाले हैं, ना ज्यादा ना कम, बबल गम। ओके दैट्स अबाउट इट। टाइगर पार्क वेरी हाइप, ओवर हाइप, अरे ठीक है ना, इसको पसंद है उसको पसंद है, अपने अपने फंडे हैं, बट अच्छा है, बुरा नहीं है, फ़ोटो भी ले सकते हो, इट इज़ नॉट एट ऑल बैड। सिटी टूर और जेम्स गैलरी, ये दो चीज़ें आज की बाकी, टू डाउन टू टू गो। ओके गाइस इफ यू कैन सी, जेम्स गैलरी में अभी हम लोग जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे वो ट्रेन वाला राइड है, मतलब ट्रेन से घुमाते हैं सब कुछ। तो ऐसा कुछ ट्रेन होता है, अभी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, उन्होंने बोला है इसके बाद वाली जो आएगी। ओके 12 नंबर अपना है, फ्रंट सीट में बैठूंगा मैं। ये देखो गाइस जेम्स डिस्कवरी, अब जेम्स कैसे बनाते हैं उसकी प्रक्रिया, और अपने देश का झंडा इसलिए नहीं है, शायद अपने देश से कोई नायाब जेम मिला नहीं है इनको यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे फिर से गणपति बाप्पा, देखा गणपति बाप्पा मोर आया, सवादी 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 का। ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो, हाँ वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है। ये मैंने रिसेंटली काला पत्थर मूवी देखा था अमिताभ बच्चन का, शत्रुघ्न सिन्हा, मेरे को सेम वैसा ही फील आ रहा है। ये लावा का पत्थर बन गया है अभी, नया पत्थर, देखो ऊपर भी है लाल लाल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा में, तो आई एम सो सॉरी, आई एम डूइंग माय बेस्ट। और ये देखो क्या कर रहे हैं नंबर वन, कोहिनूर है कोहिनूर,
So after finishing the product in the next room, will be more beautiful and interesting in the next room. ये जेम्स गैलरी में शो दिखाते हैं, एडवर्टाइज करते और फिर लेने को ही लगाते हैं कुछ ना कुछ, तो ना बोलना सीखो गाइस। ये सबसे सस्ते वाले सोवेनियर है, हमने जेम्स देखे और बाद में हम ये जलाने वाला धूप वगैरह ऐसा कुछ तो लेने वाले हैं। यार सच बोलूँ तो मैं थक गया अभी, जूते पहनने की आदत चली गई है। माकून लुक रहे, बाकी कुछ नहीं, बाकी ये दीज आर रियली वेल इंजीनियर्ड, तो उसमें बाकी कुछ दुखता नहीं। यार नाखून दुख रहे मुझे, थक गया मैं अभी। अभी ये थर्ड अपना डेस्टिनेशन हो गया आज का, फोर्थ तब पटाया सिटी टूर। सो आई डोंट नो उसमें अभी क्या देखने वाले, सिटी का टूर तो हो गया, तो देखते हैं दीदी क्या बोलते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ये हमने एक छोटा सा सोवेनियर लिया है, कुटले दाखो फ्रिज मैगनेट से, एज यूजल जहाँ भी जाएंगे वहाँ से मैगनेट लेके आएंगे। दीदी रुकी है। ओके वेयर नेक्स्ट, आई एम रियली नॉट श्योर हम लोग कहाँ जा रहे हैं सिटी टूर के नाम पे, बट रोड वाकई में बहुत ही मस्त है और हम लोग चढ़ान पे ऊपर जा रहे हैं कहीं तो। अरे बाप रे केबल्स देखो, ये वायर देखो, अरे मजा के। जहाँ तक मुझे पता है ये लीगल नहीं है थाईलैंड में, पर फिर भी बेचा जा रहा है। जो कल नेहा ने देखा था पैरासेलिंग करते वक्त, ये गिरगांव चौपाटी है पटाया का, पीछे मुर्गा भी बांग दे रहा है। इधर अंदर क्या है देख के आते एक बार, लग तो रहा है मंदिर ही है, अलग अलग बुद्ध के मंदिर है यहाँ पे। और दूसरा चप्पल निकल के अंदर जाके अगरबत्ती और कैंडल लगा सकते हैं, यहाँ पे भी है। राइट, यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और ऊपर भी जाके आए। अभी हम लोग बिग बुद्धा जा रहे हैं। बिग बुद्धा में आई रियली डोंट नो शॉर्ट्स, क्योंकि शायद अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो शिट मैन ये मेरा मिसकैलकुलेशन हो गया आज। लेट्स सी, तू लव छोड़ती हम सब रे ये भाई रे। हाँ पहुँच गए, दो मिनट का रास्ता था वहाँ से लिटरली। तो शॉर्ट्स में लोग तो जा रहे हैं ऊपर, सो आई थिंक आई शुड बी एबल टू गो टू, बाकी आगे बुद्ध की मर्जी। ये सबसे बेस्ट स्टेयर्स मैंने जिंदगी में आज तक देखे, जिसका मतलब कुछ वजूद ही नहीं है किसी स्टेप का, ऐसे लग ही नहीं रहा ऊपर जा रहे, बेस्ट स्टेप्स। देखो मैं बोलता हूँ ना, इसका कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा। ये इनकी पूजा की थाली है, इसमें भी वो फैंटा है भोग चढ़ाने के लिए। मेरे पीछे यू कैन सी बिग बुद्धा स्टैचू और बाकी अलग 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 भगवानियों के, तीर्थंकर जैसे मतलब, तो उनके भी स्टैचूज हैं।
एकदम शांत जगह है, हवा तेज चल रही है, यहाँ से भी सिटी व्यू अच्छा दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है इधर। यू कैन सी समुंदर भी है और वो आइलैंड भी दिख रहा है आगे, ये टावर वगैरह ऑब्जर्वेशन डेक, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, नाइस। अच्छा ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों साइड में एक्चुअली, ये आगे जाके पंचमुखी अष्टमुखी सप्तमुखी ड्रैगन बन जाता है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ आज का हमारा दिन होता है खत्म। अभी टाइम कितना बन गया, 4 बज गए हैं सुबह, आपको पता है 6 बजे मैं उठ गया था क्योंकि नींद ही नहीं आ रहा था, इनफैक्ट मैं 4:30 से आई वाज अवेक। अभी हम लोग फिर से होटल में जा रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे, शाम का डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे। कल हमें निकलना है बैंकॉक के लिए, ऑन द वे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है वो, मरीन सफारी वर्ल्ड एंड सेकंड मरीन पार्क, वो डॉल्फिन शो वगैरह वो होता है वहाँ पे, मुझे करना ही है वो। और कल का हमारा बैंकॉक में स्टे है और परसों हम लोग फिर निकल जाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। मुझे थोड़ा सा ये रिलैक्स टाइम चाहिए था क्योंकि बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं हम लोग, अब जाके मुहूर्त लगाए, इसके लिए पैसे भी जमा कर रहे हैं हम लोग कब से। मैं तो लोगों को लगता है मैं खाली घूमते रहता हूँ, बट उसके लिए उतना मगजमारी करना पड़ता है। राइट, विद दैट सेड आई थिंक आई विल एंड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, एंड लाइक सब्सक्राइब प्लीज़, पसंद आया तो। और ये दीदी को भी थैंक यू, काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाती है ये, बीच में सटक गई थी पता नहीं यार, उसका कुछ तो फ़ोन पे लफड़ा हुआ था किसके साथ, तो आई डोंट नो, बट Right, take care, bye.